नमस्कार, क्राइम नामा में आपका स्वागत है। पिछले दिनों गुड़गांव में बहुत ही सनसनीखेज एक मामला प्रकाश में आया, जब एक गैंगस्टर ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया कि एक वर्दी वाले ने दूसरे वर्दी वाले की हत्या के लिए उसको 25 लाख की सुपारी दी। मामला गंभीर था और पुलिस ने इस मामले में अपनी अंतरिम जांच बैठाई। अब यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा। बीती रात सब इंस्पेक्टर राजकुमार, जो कि क्राइम यूनिट नोक के प्रभारी हैं, उन्होंने थाना सदर में सस्पेंडेड एएसआई राज सिंह के खिलाफ शिकायत दी। उस शिकायत के आधार पर थाना सदर पुलिस ने हत्या की साजिश रचने और सुपारी देने के आरोप में निलंबित एएसआई राज सिंह, गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ सुंडा व उसके एक शूटर बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सदर थाने में मामला दर्ज होते ही इस मामले में बहुत से रोचक तथ्य सामने आ रहे। जब हमने सस्पेंडेड एएसआई राज सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने अपने दावे में कहा कि गैंगस्टर ने इस तरह के कबूलनामे से इनकार किया है। उनका दावा है कि गैंगस्टर ने कोर्ट में एक शपथ पत्र देकर यह दावा किया है कि पुलिस ने उसे मारपीट कर उससे ये जुर्म कबूल कराया है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी कहते हैं कि चोर उचक्कों और गैंगस्टरों की बातों पर यकीन नहीं किया जाता। बात भी बिल्कुल सही है। लिहाजा जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है, वहीं सस्पेंडेड एएसआई राज सिंह ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है। इस बारे में जब हमने क्राइम यूनिट के प्रभारी, जो शिकायत करता है राजकुमार, उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें न्याय प्रणाली पुलिस पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अपनी मामला दर्ज करा दिया, अपनी शिकायत दर्ज करा दी है, अब वो आगे की कार्रवाई। पुलिस को दी गई शिकायत में क्राइम यूनिट प्रभारी राजकुमार ने कहा है कि करीब 2-2.5 साल पहले जब राज सिंह आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में जेल गया था, तभी से वह उससे निजी दुश्मनी रखता है। उसकी क्राइम यूनिट का ऑफिस उसके गांव के पास में है और इस बाबत उसे पता चला सेक्टर 17 CIA यूनिट से। वहां से एक लिखित पत्र उसे मिला जिसमें जेल में बंद गैंगस्टर सुरेंद्र सोना ने अपने कबूलनामे में ये कहा है कि उससे 2.5 वर्ष पहले राज सिंह जेल में मिला था और उसने उससे कहा था कि उसे राजकुमार की हत्या करानी है और 25 लाख में उनका सौदा तय हुआ था। जो बिट्टू शूटर था उसको 2.5 लाख रुपए राज सिंह ने बकायदा दिए भी थे और उसने अपने कंप्लेंट में, अपनी शिकायत में ये कहा है, ये पुलिस से विनती की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसे शक है कि राज सिंह उसकी हत्या कभी भी करवा सकते हैं। वहीं राज सिंह, एएसआई राज सिंह जो आरोपी है, उनका कहना है कि इस मामले में उन्होंने वही अपना पुराना दावा दोहराया है कि पुलिस के कुछ आला अधिकारी उसे विभाग से चलता करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वो चुप नहीं बैठेंगे और अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इसी बीच हमने DCP सुमित कुहार, DCP क्राइम, उनसे बात की तो उन्होंने साफ कहा कि अपराधियों के शपथ पत्र पर पुलिस भरोसा नहीं करती। हम इस मामले में राजकुमार, जो सब इंस्पेक्टर है क्राइम यूनिट के, उनकी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच कर रहे हैं, गहराई तक जाएंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उधर सस्पेंडेड एएसआई राज सिंह लगातार पुलिस की ही भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या वर्दी वाले ने वर्दी वाले की सुपारी दी थी? क्या जेल में बंद गैंगस्टर सुरेंद्र और सूना का कबूलनामा सही साबित होगा? ये अभी भविष्य के गर्भ में है। इसके लिए हमें आप सबको इंतजार करना होगा। नमस्कार।